हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा। हमारी आज की एमएस वर्ड की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है इंसर्ट टैब में प्रेजेंट इल्यूस्ट्रेशन कमांड ग्रुप में प्रेजेंट पिक्चर कमांड। तो फ्रेंड्स, ये पिक्चर कमांड होती है और आज हम इसी की डिटेल्ड क्लास लेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप शुरू से एंड तक इस क्लास को जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके हर एक फीचर के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, ये इंसर्ट टैब में इलिस्ट्रेशन कमांड ग्रुप के अंदर पिक्चर कमांड हमारे पास होती है। इस कमांड की मदद से हम अपने कंप्यूटर में स्टोर किसी भी पिक्चर को एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। उस पिक्चर की हेल्प से अपन अपने डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव कर सकते हैं। पिक्चर का यूज़ बेसिकली आप कोई पंपलेट्स डिज़ाइन करने में भी कर सकते हो, या अपने डॉक्यूमेंट में ई बुक्स वगैरह बनाना हो आपको, तब भी आप पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट से इमेजेस डाउनलोड करना जानते हो तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड इमेज इंटरनेट पर गूगल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उन्हें कंप्यूटर में सेव करके एमएस वर्ड में उन इमेजेस का यूज़ आसानी से कर सकते हो। ये सब हम आगे की क्लास में सीखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आप उस पर क्या क्या काम कर सकते हो। तो मान लीजिए हमने कोई पिक्चर कंप्यूटर में स्टोर यहाँ लानी है, तो आप कहाँ क्लिक करेंगे? पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाकर, ठीक है। इसके बाद आपने जिस ऑप्शन में आपकी पिक्चर स्टोर है, मान लीजिए मैंने लोकल डिस्क डी यहाँ पर पिक्चर मैंने कहीं डाल रखी है, वो मुझे एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में लानी है, तो लोकल डिस्क डी पर क्लिक करेंगे। और मान लीजिए मैंने लोकल डिस्क डी वाले ऑप्शन में वॉलपेपर नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, इसमें से किसी एक पिक्चर को मैं अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करूँगा। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए आप, या इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब इसमें कुछ सब फोल्डर्स हैं, आप किसी भी फोल्डर की इमेज, मान लीजिए मैंने ये कोई फोल्डर आपने चूज़ किया, मान लीजिए हम ये लेते हैं मिकी माउस के नाम फोल्डर में, इसको हमने इंसर्ट किया और हमने यहाँ से मान लीजिए ये वाली इमेज को सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमने इंसर्ट पे क्लिक किया तो वो इमेज हमारे डॉक्यूमेंट में इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि पिक्चर टूल से रिलेटेड एक फॉर्मेट टैब हमारी स्क्रीन पर जुड़ जाएगा। ये ऑप्शन हमें तभी दिखाई देगा जब पिक्चर हमने सेलेक्ट की हुई है। मान लीजिए पिक्चर के बाहर हम अगर क्लिक करते हैं तो वो पिक्चर टूल गायब हो जाएगा। एक बार हम पिक्चर टूल लाने के लिए पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो ये फॉर्मेट टूल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब पिक्चर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि पिक्चर के चारों तरफ ये पिक्चर को रिसाइज करने के लिए 8 ऑप्शन दिए हुए हैं, या रिसाइजर टूल से। आपको करना क्या है, अगर पिक्चर को छोटा करना है तो आप कॉर्नर पे आकर माउस को ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। कॉर्नर से अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट करते हुए ये छोटा होगा। अगर आपने इसकी चौड़ाई कम करनी है तो आप यूँ भी कर सकते हैं, अगर लंबाई कम करनी है तो यूँ भी कर सकते हैं, बढ़ानी है तो आप दबा कर जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इंक्रीज कर सकते हैं। एक साथ आप इंक्रीज करना चाहते हैं लंबाई और चौड़ाई को, तो यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपको पिक्चर को रोटेट करना है, तो ये जो ग्रीन टूल है ना, आप कर्सर को यहाँ लाएंगे और इस तरीके से आप किसी भी इमेज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये रोटेशन के लिए ऑप्शन यहाँ होता है, ठीक। अब मान लीजिए हम पिक्चर को रिसाइज करना में आ गया और रोटेट करना आ गया। अब हम पिक्चर टूल्स के कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। पिक्चर टूल पर जब फॉर्मेट में हम जाएंगे तो यहाँ हमें एडजस्ट नाम का कमांड ग्रुप दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। अब इसका क्या यूज़ है, हम रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करें एक बार। इसका यूज़ है ऑटोमेटिकली रिमूव अनवांटेड पोर्शन ऑफ पिक्चर।
अब मान लीजिए हमारे पास जो ये पिक्चर है, हम इसमें से ये ब्लू बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं, ये नीचे से वाइट को भी, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत हमें हमारे पिक्चर के लिए हमें महसूस नहीं होती। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। तो रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, देखिए इसने जो ये पर्पल कलर से जो हाईलाइटेड एरिया है ना, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसने देखिए यहाँ से ये भी इसमें गायब हो रहा है इमेज, ठीक है, एक बार अपन अंडू करें। देखिए आप ये इमेज को आप एक बार देख लीजिए किस तरह की इमेजेस हैं। मैं एक बार रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑप्शन रिमूव नहीं करना मुझे, ठीक। रिमूव बैकग्राउंड पर हमने क्लिक किया, अगर आपने कीप चेंजेस पे क्लिक कर दिया तो देखिए आप वो बैकग्राउंड हट गया, ये जिस जगह खड़ा था ना वो बैकग्राउंड भी इसने हटा दिया। अब हम चाह रहे हैं कि इस ऑप्शन को हमें, इस इमेज के इस हिस्से को हमें रिमूव नहीं करना, तो हम वापस यहाँ क्लिक करेंगे रिमूव बैकग्राउंड पर, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, देखो यहाँ से, ठीक, इस तरीके से थोड़ा और ऊपर कर दो आप, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर दो, अब ये ठीक है। ऐसे ही इसको आप नीचे कर दो इस तरीके से, तो अब ये हिस्सा देखिए रिमूव नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को ये हिस्सा यहाँ से रिमूव करना है, तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए ना, जैसे मार्क एरियाज टू रिमूव, ठीक, मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को ये इतना सा हिस्सा रिमूव करना है, ये हिस्सा, ठीक है। तो देखो ये भी डिलीट हो जाएगा, जो पर्पल चीज़ है ना वो सब आपकी इमेज में से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। और आपको कोई चीज़ रखनी है तो आप मार्क एरियाज टू कीप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद अगर आप चाहते हैं आपको इमेज को वापस एडिटिस करना है, तो डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक कर दो, आपकी इमेज वापस एडिटिस हो जाएगी जैसी इमेज आपने इंसर्ट की थी। और अगर आप कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने चेंजेस किए वो चेंजेस आपकी इमेज में सेव हो जाएंगे। मैंने कीप चेंजेस पे क्लिक किया मान लीजिए, तो देखिए आपने जो भी चेंजेस किए थे वो बैकग्राउंड आपकी इमेज से हट गया। आगे होगा समझ में आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है अपने पास बैकग्राउंड को हटाना। अब मैं और एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, इमेज आप बाहर क्लिक कीजिए, एंटर दबा दीजिए और इंसर्ट पे जाकर पिक्चर पे क्लिक कर दो। मान लीजिए हमने अब की बार ये इमेज इंसर्ट की, ठीक है, इंसर्ट, ठीक, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर दो, अभी ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मेट में करेक्शंस के ऊपर। करेक्शंस का क्या यूज़ है, देखिए आप किसी भी कमांड के ऊपर आप माउस को ला के एक बार हल्का सा छोड़ देंगे ना, तो उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ नीचे इस तरीके से दिखाई देगी। जैसे करेक्शंस में लिखा हुआ है इम्प्रूव द ब्राइटनेस कंट्रास्ट और शार्पनेस ऑफ द पिक्चर। अगर हम चाह रहे हैं इस पिक्चर को थोड़ा ब्राइट करना है, या थोड़ा कंट्रास्ट ज़्यादा करना है या कम करना है, या थोड़ा शार्पनेस इसकी कम या ज़्यादा करनी है, तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो नीचे ऑप्शन दिया है ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट से रिलेटेड है। देखिए इस साइड आप आ रहे हैं तो कंट्रास्ट ब्राइटनेस जो है इसमें रेशियो दिया हुआ है -40% कम हो रही है और कंट्रास्ट भी कम हो रहा है। इस साइड आएंगे तो ब्राइटनेस भी बढ़ेगी और कंट्रास्ट कम हो रहा है। जो आपको जो सूटेबल लगे आपकी इमेज के लिए आप उस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, वो अपनी इमेज पर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, आ गया समझ में, तो इमेज पर इस तरीके से वो इफेक्ट आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपने करेक्शन में जाकर ये सॉफ्टन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है, तो भी आपको वो इफेक्ट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। तो ये करेक्शन का ऑप्शन था। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पिक्चर को वापस पहले वाली स्थिति में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है रीसेट पिक्चर, ठीक है, ये रीसेट पिक्चर ऑप्शन दिया हुआ ना, आप रीसेट पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज वापस से उसी तरीके से हो जाएगी जैसी आपने इंसर्ट की थी। रीसेट पिक्चर पर क्लिक किया हमने, देखेंगे आप वो सारे इफेक्ट यहाँ से गायब हो गए, ठीक है। तो ये रीसेट पिक्चर ऑप्शन था, ठीक, एक बार यहाँ करके देखें हम रीसेट पिक्चर पर क्लिक किया हमने, देखिए आप आपकी पिक्चर वापस वैसी हो गई, ठीक है। तो ये रीसेट पिक्चर के द्वारा अपन इमेज को वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं, और जो भी फॉर्मेटिंग इस पर हमने अप्लाई की थी वो सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब आता है कलर्स। कलर्स क्या करेगा, चेंज द कलर ऑफ द पिक्चर टू इम्प्रूव क्वालिटी और मैच डॉक्यूमेंट कंटेंट्स। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट के अंदर
ग्रीन कलर का यूज़ किया हुआ है, तो आपको इमेज को ग्रीनिश दिखाना है, तो आप यहाँ देखिए या तो ये ग्रीन का यूज़ कर लें या ये ग्रीन का, ऐसे आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपको कोई और कलर आपको इस इमेज में अप्लाई करना है, तो आप कलर पर क्लिक करेंगे और जो भी कलर आपको इस इमेज पर लगाना है आपको खाली उस कलर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं। हम वापस से एक बार रीसेट कर देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट। इसका क्या यूज़ है, इसमें देखिए कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट दिए हुए हैं, आप किसी भी एक इफेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो इफेक्ट आपकी इमेज पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ये इफेक्ट दिखाना है, इसका नाम भी दिया हुआ है लाइन ड्राइंग्स, तो ये लाइन ड्राइंग्स इस तरीके से आपकी इमेज पर दिखाई देगी। मान लीजिए ये इफेक्ट है, ठीक है, ग्लास इफेक्ट, तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे इमेज आपकी किसी ग्लास के पीछे रखी हुई है ना, हमने क्लिक किया तो इस तरीके से वो इफेक्ट हमारी इमेज पर अप्लाई हो जाएगा। आ गया होगा समझ में आपको, हम वापस से एक बार रीसेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रीसेट ऑप्शन से अपनी इमेज वापस सही हो जाएगी। अब हम आते हैं चेंज पिक्चर ऑप्शन की तरफ। चेंज पिक्चर का क्या यूज़ है, इसके द्वारा अपन जो इमेज है उस इमेज को दूसरी इमेज में बदल सकते हैं इसको डिलीट किए बिना। ठीक है, तो आप इसको डिलीट करते हैं फिर इंसर्ट पिक्चर पर जाके क्लिक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद चेंज पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपको किसी और फोल्डर से इमेज लेनी है, तो मैं बैक आ जाता हूँ वॉलपेपर फोल्डर पे और मैंने मान लीजिए फोल्डर चूज़ किया यहाँ से ये चाइल्ड वॉलपेपर के नाम से। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए ये इमेज सेलेक्ट की और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी इमेज को बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एडजस्ट कमांड ग्रुप के ऑप्शन थे। अब हम बढ़ते हैं आगे पिक्चर स्टाइल के ऑप्शंस की तरफ। पिक्चर स्टाइल में कुछ प्रीडिफाइंड स्टाइल्स हमारे पास पहले से दी हुई हैं। देखिए यहाँ हमने क्लिक किया इस जगह पर, तो ये कुछ प्रीडिफाइंड स्टाइल्स हैं जिस पर क्लिक करने से हमारी पिक्चर उस स्टाइल में हमें दिखाई देगी। जैसे ये वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, इसका नाम भी है कुछ, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड बेवल कॉमा ब्लैक, ब्लैक बॉर्डर है और ये रिफ्लेक्टेड ऐसे नीचे देखिए रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको इस तरीके का। मान लीजिए हमने ये ऑप्शन को हमारी इमेज के लिए सिलेक्ट किया मेटल ओवल, तो इसका कुछ मेटेलिक इफेक्ट और ओवल शेप में हमें इमेज को दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आप पिक्चर स्टाइल अपनी इमेज पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक, आगे समझ में। ठीक है, मान लीजिए ये इफेक्ट हैं जो आप, इनके अलावा कुछ और इफेक्ट आप लगाना चाहते हो अपने इमेज के ऊपर, हम इस इमेज पे आते हैं और ये कुछ इफेक्ट हैं यहाँ पर, यहाँ से हम लगाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, पिक्चर बॉर्डर, ठीक है, हमने यहाँ क्लिक किया, हम चाह रहे हैं कि इस पिक्चर की तरफ चारों तरफ एक बॉर्डर दिखानी है, बॉर्डर का कलर हो जाए रेड। ठीक है, तो देखेंगे आप बिल्कुल रेड कलर की बॉर्डर, लेकिन अभी दिख नहीं रही आपको है। इसके लिए आप पिक्चर की बॉर्डर की साइज़ को इंक्रीज करना पड़ेगा, मोटाई, विड्थ। मान लीजिए मैंने इसकी विड्थ कर दी 4.5 पॉइंट्स की। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रही है बॉर्डर है ना, तो ये पिक्चर बॉर्डर है, विड्थ के हिसाब से आप बॉर्डर को देख पाएंगे। ब्लू करेंगे तो ब्लू बॉर्डर हो जाएगी। इसी तरीके से आपको डैश्ड बॉर्डर चाहिए, देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स की बॉर्डर्स हैं, किसी भी स्टाइल को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं चाहिए बॉर्डर क्लिक करो नो आउटलाइन। ठीक है, ऐसे पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर में इफेक्ट चाहिए आपको जो हमने देखे थे अभी। मान लीजिए आप चाह रहे हैं इसमें 3D रिफ्लेक्शन आ जाए, कुछ इस तरीके से आपकी इमेज दिखे, ऐसी हो जाएगी, या आप चाह रहे हैं उसमें शेडो आ जाए इस तरीके से आए, देखिए आप नीचे शेडो, आपको इमेज की हल्की शेडो दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट आप अपनी इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं। आ गया समझ में। ठीक है, यहाँ है पिक्चर लेआउट, ये क्या करेगा, आपकी पिक्चर को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करते हुए दिखाएगा। यहाँ क्लिक करके देखें एक बार हम, मान लीजिए अपन अपनी पिक्चर को यूँ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में आपकी पिक्चर को कन्वर्ट कर देगा। यहाँ आप अपने, अभी जब हम स्मार्ट आर्ट करेंगे तो उसके बारे में और अच्छी तरीके से अपन जानेंगे, फिलहाल हम अंडू करके बाहर आते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको पिक्चर लेआउट के बारे में। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है कन्वर्ट द सिलेक्टेड पिक्चर टू अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू इजीली अरेंज कैप्शन एंड रिसाइज द पिक्चर।
तो स्मार्ट आर्ट करते समय हम इस ऑप्शन को और डिटेल में जान लेंगे। अब हम आते हैं अरेंज कमांड ग्रुप की तरफ। अरेंज कमांड ग्रुप के लिए एक बार हम एक इमेज को इसी पर रख लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर दूँ चाहो तो। ये इमेज बहुत है हमारे लिए, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लिया हमने, है ना। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पोजीशन का। अब पोजीशन का क्या यूज़ है, इसका क्या यूज़ है, इसमें लिखा हुआ है पोजीशन द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द पेज, यानी कि पूरे पेज पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सेट करना। एक बार अपन थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक रहेगा अब, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन डॉक्यूमेंट पर ये दी हुई है हमारे पास, कुल 9 पोजीशन दी हुई है। मान लीजिए बिल्कुल नीचे हमें सेट करना है, यहाँ पर बॉटम में सेंटर के अंदर आपने क्लिक कर दिया, पेज पर से इमेज गायब हो गई, लेकिन आप पेज को स्क्रॉल करो नीचे आओ, देखिए वहाँ सेट हो जाएगी, ठीक है। आप पोजीशन पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपको यहाँ दिखानी है पिक्चर, यहाँ हो जाएगी। तो ये पोजीशंस यहाँ पर प्री डिफाइंड पोजीशंस है जहाँ आप अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। देखिए अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अगर आप खुद मैन्युअली जा रहे हैं कि इमेज को उठाकर यहाँ रखना है, रख सकते हैं। जब तक आप पोजीशन कमांड का यूज़ नहीं करेंगे ना, तब तक आप अपनी इमेज को मैन्युअली ड्रैग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम एग्जांपल आपको, मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे क्लिक किया हमने, मान लीजिए हमने ये पिक्चर इंसर्ट की, इसको हमने एक बार छोटा कर दिया, ठीक है। अब मैं मैन्युअली ड्रैग करना चाहूँगा, इसको उठा के कहीं रख दूँ, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो रहा। दो कमांड यूज़ करने के बाद, दोनों में से किसी भी एक कमांड का यूज़ करने के बाद आप इसको मैन्युअली भी ड्रैग करने में सक्षम होंगे। या तो आप पोजीशन में जाकर किसी भी एक कमांड पर क्लिक कर दो, जैसे यहाँ क्लिक कर दिया हमने, अब आप इसको इजीली ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, मान लीजिए है ना अभी ड्रैग नहीं हो पा रही कहीं भी, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रैप टेक्स्ट, यहाँ क्लिक करो, इसमें होता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, आप चाहो तो यहाँ क्लिक कर दो, इसके बाद भी आप अपनी इमेज को आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन कमांड के बाद ये कमांड थी रैप टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट में देखिए और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको जानने के लिए हम पहले डॉक्यूमेंट में कुछ मैटर हमें इंसर्ट करना होगा। तो हम एक बार के लिए अपनी उसी कमांड से कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 5 पैराग्राफ इंसर्ट कर लिए, ठीक बात। ये इमेज एक बार डिलीट कर देते हैं हम, इस इमेज से हमारा काम हो जाएगा, है ना। और ये पैराग्राफ के एंड में आकर डिलीट दबा देंगे, अगला पैराग्राफ इससे ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से अपन ने इसको भी डिलीट करके जोड़ दिया, और इसको भी इस तरीके से हमने सेट कर दिया। जस्टिफाई कमांड आपको पता है, यहाँ से आपने जस्टिफाई कर दी पैराग्राफ को, कंट्रोल जे, ठीक है। ये इमेज हमारे पास कुछ इस तरीके से रखी हुई है। अब हम फॉर्मेट ऑप्शन में आते हैं, देखिए फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट, देखिए रैप टेक्स्ट में अभी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया हुआ है, इसलिए हमें दिख रहा है कि इमेज के नीचे टेक्स्ट दब गए। अगर आपने कहा बिहाइंड टेक्स्ट, तो देखो जो इमेज थी ना वो टेक्स्ट के पीछे आपकी चली गई, ठीक है, टेक्स्ट भी दिख रहा है, इमेज भी दिख रही है। ऐसे अगर आपने कहा कि आपकी इमेज के ऊपर नीचे टेक्स्ट आना चाहिए, आप रैप टेक्स्ट में आओ और यहाँ पे टॉप एंड बॉटम पर क्लिक करोगे, आगे समझ में आपको इस तरीके से। ऐसे अगर आप चाह रहे हो कि नहीं आपकी चारों इमेज के चारों तरफ मैटर आना चाहिए, तो देखो आप यहाँ पर स्क्वायर ऑप्शन का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको देखो राउंड शेप में कन्वर्ट करता हूँ इमेज को, यहाँ से मैंने ले लिया, मान लीजिए ये ओवल शेप ले ली, और एक बार इसका आपने जो पिक्चर इफेक्ट है ना, शेडो आपने कर दिया, नो शेडो, ठीक है। यहाँ पर अपना ये रैप टेक्स्ट लिया हुआ है क्या, स्क्वायर, तो मैटर देखिए आप स्क्वायर शेप में इस तरीके से सेट हो गया। अगर आपने इधर ही ऑप्शन लिया अब यहाँ पर थ्रो, तो थ्रो का और यहाँ पर स्क्वायर का क्या डिफरेंस है, थ्रो या टाइट या थ्रो एक ही चीज़ है करीब करीब। आपने थ्रो पे क्लिक किया तो अब मैटर देखिए जितनी जगह इसको मिलेगी ना, जहाँ जगह बनाएगा ये वहाँ से मैटर को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा, ठीक। और स्क्वायर करते हैं तो इस तरीके से आपके इमेज के चारों तरफ इमेज स्क्वायर शेप में दिखाई देगी मैटर के चारों तरफ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, स्क्वायर टाइट थ्रो टॉप और बॉटम बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। एक यहाँ पर एडिट रैप पॉइंट्स भी दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करके देखें एक बार हम, इसका क्या फ़ायदा है, मान लीजिए आप चाह रहे हैं एक आधी लाइन आप चाह रहे हैं थोड़ा सा और डिस्टेंस रखना है,
तो ये ड्रैग पॉइंट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे थोड़ा अंदर ले जाए मैटर, तो ये पॉइंट्स की मदद से भी आप इस तरीके से, तो जो हमने ये चेंजेस किए ना, अब अपने को इसी तरीके से रैप किया हुआ मैटर दिखाई देगा। आप बाहर क्लिक कर दीजिए तो ये इमेज आपकी इस तरीके से रैप्ड होकर दिखाई देगी। आ गया समझ में? ठीक है, अब हम आते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड के ऊपर। ठीक, तो एक बार हम नया डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, और नया डॉक्यूमेंट खोलने के बाद हम कुछ इमेजेस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए हमने इंसर्ट में गए, पिक्चर पे क्लिक किया, हमने एक इमेज ये ले ली इंसर्ट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, और इंसर्ट में गए वापस पिक्चर पे हमने क्लिक किया, अब की बार हमने ये इमेज इंसर्ट कर दी, इसको भी हमने एक बार छोटा कर दिया। एक बार रैप टेक्स्ट में आकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो इसको, इस चेंज इमेज हो गई वो, कोई बात नहीं। इंसर्ट में गए, पिक्चर पे क्लिक किया, हमने ये इमेज ले ली, छोटा कर दो, पोजीशन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, और एक इमेज ले लेते हैं हम, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और मान लीजिए हमने यहाँ पर ये इमेज ले ली, और इसको भी हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इमेजेस हमारी कहाँ चली गई वो, इंसर्ट पिक्चर, और ये हमने पिक्चर पे क्लिक किया, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तीन इमेजेस आ गई। ठीक है, तीन इमेजेस आ गई। अब देखिए, जो इमेज आप सबसे लास्ट में लाएंगे वो सबसे ऊपर होगी। ठीक, अब ये काम इसका है, इमेजेस में ये जो ऑप्शन दिया हुआ ना, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड का मतलब है जो इमेज आपकी दी हुई ना, इसके बिल्कुल पीछे जो इमेज है उसके पीछे आप इस इमेज को एडजस्ट कर देंगे। जैसे इस इमेज के पीछे वाली इमेज है ना, हमने क्या करना है, सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करना है। देखिए, इसकी पोजीशन इस इमेज के पीछे, आप और एक बार क्लिक करेंगे तो इस इमेज के पीछे ये इमेज चली जाएगी। आपने क्लिक किया ऐसे वन बाय वन पीछे भेजना है, आप सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करते रहेंगे। ठीक है, हम एक और इमेज ले लेते हैं, इंसर्ट में गए, पिक्चर पर क्लिक किया हमने, और मान लीजिए हमने अब की बार ये इमेज इंसर्ट की। ठीक है, इसको भी हमने कर दिया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास चार इमेजेस हैं। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना, सेंड बैकवर्ड वन बाय वन पीछे। ठीक, अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड, इसी तरीके से आप चाह रहे हैं वन बाय वन ऊपर आए, वन बाय वन ऊपर, तो वन बाय वन ब्रिंग फॉरवर्ड से ऊपर भी आ जाएगी। अब इसमें एक ऑप्शन दिया, आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ है ब्रिंग टू फ्रंट, ऐसे यहाँ पर है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक का मतलब है इस इमेज को डॉक्यूमेंट में सबसे आखिरी वाली इमेज, सबसे पहले नीचे वाली इमेज पे सेट कर देगा। यहाँ क्लिक करते ही देखिए, सबसे बैकग्राउंड में इमेज सेट हो गई, देखिए इस इमेज के भी नीचे सेट हो गई। ठीक है, तो ये फ़ायदा है इसका। ऐसे मान लीजिए इस इमेज को आपको करना है ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे ऊपर टॉप पे, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से ये इमेज फ्रंट पे सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन समझ में आ गया आपको। ठीक, ऐसे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के ऊपर लाना, ऐसे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट जो हम कर चुके हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। आ गया समझ में आपको, वही चीज़ है ये। ठीक है, अब हम आते हैं अलाइन के ऊपर। ठीक, अलाइन का क्या यूज़ है, मान लीजिए हमारे पास ये तीन इमेजेस थी, इनको एक बार मैं छोटा करता हूँ, आपको अलाइन कमांड समझाने के लिए कर रहा हूँ खाली, बस इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमने इस तरीके से छोटा कर दिया। ठीक, अब मैंने इन तीनों इमेजेस को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट की दबाकर यूं इस तरीके से एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अलाइन में देखिए, इस इमेज को थोड़ा नीचे कर दो एक बार, आप एक बार ऐसा ही करना जैसे मैंने किया, हम तीनों को सेलेक्ट करते हैं अलाइन में, देखिए अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट पे आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड से तीनों का अलाइनमेंट इक्वल हो जाएगा, ऐसे हो गया। देखिए लेफ्ट साइड से अंडू करूँ मैं एक बार, अब अगर मैं करता हूँ अलाइन राइट, तो देखिए राइट साइड से तीनों का अलाइनमेंट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इनकी हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस चेंज नहीं, खाली अलाइनमेंट चेंज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मैंने किया इनको अलाइन सेंटर, तो ये बीच से इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे।
अब देखिए इनके डिस्टेंस भी आप चाह रहे हैं बराबर हो जाए, तो आपको अलाइन वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, वर्टिकली पे क्लिक करेंगे ना, देखिए इनकी डिस्टेंस ये जो दूरी है ना बीच की बिल्कुल बराबर सेट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली था, मान लीजिए मैं एक बार अंडू कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको करते हैं अलाइन में टॉप करेंगे ना, देखिए आप हॉरिजॉन्टली टॉप अलाइन हो जाएगा, ऐसे अंडू कर देते हैं एक बार हम, अलाइन में आते हैं अलाइन बॉटम, तो आप देख रहे हैं ना बॉटम से ये सब अलाइंड हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इमेजेस अलाइन हो जाएंगी। आगे समझ में, इनके बीच की डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी और इक्वली एडजस्ट हो जाएगी। हमने अंडू कर दिया एक बार, तो ये ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, अलाइनमेंट वाले ऑप्शंस, ठीक। अब हम आते हैं ग्रुप के अंदर। अब ग्रुप का क्या फ़ायदा है, देखिए ग्रुप का ये फ़ायदा है, मान लीजिए जब तक आपने इमेज सेलेक्ट कर रखी है ना शिफ्ट दबा के, तब तक ये एक साथ मूव करेगी। मान लीजिए आपने बाहर क्लिक कर दिया तो इमेज वापस से रीसेलेक्ट होते ही सब अपनी अपनी इमेज अलग अलग हो गई। अब हम यही चाहते हैं कि हम कुछ इमेजेस को ग्रुप करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने ये इमेजेस कुछ इस तरीके से सेट कर ली, अब हम चाह रहे हैं कि ये हमेशा के लिए एक हो जाएं। तो आपको करना क्या है, शिफ्ट दबा के वो सारी इमेजेस सेलेक्ट करनी है जिसका कि आपको ग्रुप बनाना है। आपने सिलेक्शन बना लिया, इसके बाद आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे और ग्रुप पर क्लिक करेंगे। देखिए इस प्रकार से ये इमेजेस का एक अपना सेपरेट ग्रुप बन गया, और इसको आप अलग नहीं कर सकते जब तक आप अनग्रुप कमांड का यूज़ नहीं करें, ठीक है। आपने बाहर क्लिक किया तो ये इमेजेस का फॉर्मेट टूल आपका गायब हो गया। आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप चाह रहे हैं इसको हटाना है, अलग करना है, तो ग्रुप ऑप्शन पर जाइए, अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। अनग्रुप पे क्लिक करेंगे, देखिए वापस से इमेजेस आपकी, मान लीजिए मैंने इस इमेज को यहाँ रख दिया, इस इमेज को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। ये करने के बाद अब आप शिफ्ट दबा के बाद में इसको कभी वापस से इस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। आगे समझ में, ठीक है। अब हम आते हैं रोटेट कमांड की तरफ। रोटेट कमांड का क्या फ़ायदा है, रोटेट कमांड में आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑप्शन यहाँ लिखा हो जाए, ये इमेज यूँ घूम जाए, आप यूँ भी रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ड्रैग करके। आगे समझ में, या अगर आप चाहें ड्रैग नहीं करना आपको तो रोटेट करना है, इसके लिए अपन रोटेट कमांड का यहाँ से यूज़ करेंगे। देखिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऐसे, है ना, वापस से क्लिक करेंगे तो यूँ, फ्लिप वर्टिकल करेंगे ना तो ये वर्टिकली घूम जाएगा ऐसे, ठीक है। आगे समझ में, 90 डिग्री घुमाना, मान लीजिए इसको 90 डिग्री घुमाना है आपको इस इमेज को, तो रोटेट 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे घुमाते जाइए आप। 90 राइट, 90 लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। आगे समझ में आपको, ठीक है। अब हम आते हैं क्रॉप और रीसाइज कमांड। रीसाइज हम करते हैं, देखिए यहाँ से अपन रीसाइज इस तरीके से कर सकते हैं दबाकर, ठीक है। इसके अलावा रीसाइज के लिए देखिए यहाँ से भी आप बढ़ाते हैं, हाइट आपको यहाँ से इंक्रीज करनी है और विड्थ आपको यहाँ से। आगे समझ में, आपको किसी भी इमेज पे क्लिक करके डिलीट दबा दो, इमेज ख़त्म हो जाएगी। तो ये रीसाइज के कमांड्स थे। और क्रॉप का क्या फ़ायदा है, मान लो मैं चाह रहा हूँ कि इस एरिया को हटाना है यहाँ से, है ना, तो आप क्रॉप करेंगे उस केस में। क्रॉप पे क्लिक किया हमने, देखिए आप इमेज के चारों तरफ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको अगर चौड़ाई में इमेज क्रॉप करनी है यूँ इस तरीके से दबाएंगे, है ना, इस तरीके से, ठीक है। और जितना एरिया आपने सिलेक्शन में रखना है उतना ही एरिया क्रॉप होकर आपको दिखाई देगा। करना क्या है अपने को, इसके बाद बाहर क्लिक कर दो कहीं भी, तो ये क्रॉप इमेज अपने को इस तरीके से दिखाई देगी। अब क्रॉप की इमेज को अपन चाह रहे हैं वापस से कभी सही करना है, तो आप क्रॉप पे क्लिक करके इसको वापस से इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं क्रॉप किया हुआ एरिया डिलीट करना है हमेशा के लिए, ठीक है, तो यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है कंप्रेस पिक्चर, यहाँ क्लिक करोगे आप और यहाँ लिखा हो ना डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर, इसको सिलेक्शन बनाकर ओके पे क्लिक कर दो। अब आप क्रॉप की इमेज को कभी वापस से नॉर्मल नहीं कर सकते क्रॉप कमांड से, तो ठीक है। तो ये सब पिक्चर टूल्स हैं जो मैंने आपको बताए। तो फ्रेंड्स, हमारे आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, और आई होप कि आपको पिक्चर कमांड से रिलेटेड सभी टूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। और हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे।
और ये वीडियो अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।